ये विरोध का वजह बहुत साफ है। कल जिस तरह से अपराधीकरण बढ़ा, जिस तरह से ये अपराध वाला भी है, बिहार में अपराधीकरण बढ़ा, बिहार में पुलिस तंत्र एक पुलिसिया राज कायम करना चाहती है, पुलिसिया राज के द्वारा वो बातचीत के द्वारा चीजों को के साथ नहीं रहना चाहती है। कल हमने देखा बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किए गए नौजवानों को, युवाओं को जो के रोजगार मांग रहे थे, नीट परीक्षा में इंसाफ मांग रहे थे, उसको जिस तरह से मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया, थाने में बंद किया गया, इन सब के खिलाफ आज हम लोग प्रतिशोध कर रहे हैं। ऑपोजिशन के आवाज को क्या दबाया जा रहा है बिहार में? चारों तरफ दबाया जा रहा है, चारों तरफ। हम प्रदर्शन नहीं कर सकते, जलसा नहीं कर सकते, जुलूस नहीं कर सकते, बातचीत नहीं कर सकते, यहाँ भी जिस तरह का बयानबाजी किया जा रहा है, इन सब के खिलाफ हम लोग हैं। निश्चित तौर पर डबल इंजन की सरकार चारों तरफ अपराध और भ्रष्टाचार में लिप्त है, और जो लोग मांग कर रहे हैं, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको लाठियों से पीटा चला जा रहा है। पूरा बिहार में अंधेरा है, बिना रिश्वत का कोई काम नहीं हो रहा है, जनप्रतिनिधियों की कोई सम्मान नहीं है, और सभी जगह ब्यूरोक्रेट्स हावी है। दो चार चंद अफसर पूरे बिहार को चला रहे हैं, मुख्यमंत्री थके हुए। कल आरजेडी की महिला विधायक के भी साथ जिस तरीके से हाउस में हुआ, आप लोगों ने विरोध किया, मुख्यमंत्री जिस तरह का शब्दों का इस्तेमाल किया, हमने आपको बताया ना कि मुख्यमंत्री जी थके हुए हैं, अफसरों का राज चल रहा है और उनको तो बोलने भी नहीं दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को जब उस सदन में बोलने उठते हैं तो बगल के मंत्री इशारा करते रहते हैं, यह आलम हो गया हुआ है इस राज्य के मुख्यमंत्री जी का। देखिए, नीतीश कुमार जी के राज में यही हुआ है, जो लोकतंत्र बचाने की बात करता है, जो आरक्षण बचाने की बात करता है, जो अपने हक और अधिकार की बात करता है, उसको नीतीश कुमार जी लाठी मरवाने का काम करते हैं। ये लोकतंत्र में सही नहीं है। सत्ता आती और जाती रहेगी, जब सत्ता इधर आएगा तो उसके बाद समझ में आ जाएगा इन लोग को। आप लोग देखिए जिस तरीके से बिहार के 7 IAS के द्वारा लूट खसोट किया जा रहा है, ये सातों दुलरुआ नीतीश कुमार के जो IAS हैं उस पर ED की कार्रवाई बहुत जल्द होने वाली है। आप देखते जाइए जिस तरीके से संजीव हंस के ऊपर ED का रेड हुआ, क्या कार्रवाई हुआ? जिस तरीके से रेप की घटना का जो पुष्टि किया गया, क्या कार्रवाई हुआ? तो इन लोगों को जवाब देना चाहिए कि आखिर वो 7 IAS ही बिहार को क्यों चला रहे हैं। अफसरशाही बिहार में हावी हो चुका है, नीतीश कुमार जी को हाथ पैर जोड़ना पड़ रहा है, आखिर क्या कारण है ये नीतीश कुमार जी को ही बताना चाहिए। आपकी महिला विधायक के भी साथ नीतीश जी का, देखिए नीतीश कुमार जी का रौद्र रूप जो है वो कभी कभी देखने को मिलता है सदन के अंदर। पिछले बिहार विधानसभा के अंदर आप लोगों ने देखा कि महिलाओं के ऊपर जो शिक्षा वो दे रहे थे, क्या क्या नहीं बोले, महिलाओं को हमेशा वो अपमानित करने का काम करते हैं। कल जिस तरीके से आपने देखा कि दलित महिला विधायक है उसके ऊपर किस तरीके से टिप्पणी किए, कभी जीतन राम मांझी जी के ऊपर क्या तुम तराम करते हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को जो है अब उनका दिमागी हालत सही नहीं है, जिसके चलते इस तरीके का काम करते रहते हैं। वो पुलिस को आगे करते हैं, नीतीश कुमार डरते हैं, पुलिस को आगे करते हैं, नीतीश कुमार डरते हैं। ये विरोध का वजह बहुत साफ है। कल जिस तरह से अपराधीकरण बढ़ा, जिस तरह से ये अपराध वाला भी है, बिहार में अपराधीकरण बढ़ा, बिहार में पुलिस तंत्र एक पुलिसिया राज कायम करना चाहती है, पुलिसिया राज के द्वारा वो बातचीत के द्वारा चीजों को के साथ नहीं रहना चाहती है। कल हमने देखा बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किए गए नौजवानों को, युवाओं को जो के रोजगार मांग रहे थे, नीट परीक्षा में इंसाफ मांग रहे थे, उसको जिस तरह से मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया, थाने में बंद किया गया,
इन सब के खिलाफ आज हम लोग प्रतिशोध कर रहे हैं। ऑपोजिशन के आवाज को क्या दबाया जा रहा है बिहार में? चारों तरफ दबाया जा रहा है, चारों तरफ। हम प्रदर्शन नहीं कर सकते, जलसा नहीं कर सकते, जुलूस नहीं कर सकते, बातचीत नहीं कर सकते। यहाँ भी जिस तरह का बयानबाजी किया जा रहा है, इन सब के खिलाफ हम लोग हैं। निश्चित तौर पर डबल इंजन की सरकार चारों तरफ अपराध और भ्रष्टाचार में लिप्त है, और जो लोग मांग कर रहे हैं, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको लाठियों से पीटा चढ़ा जा रहा है। पूरा बिहार में अंधेरा है, बिना रिश्वत का कोई काम नहीं हो रहा है, जनप्रतिनिधियों की कोई सम्मान नहीं है, और सभी जगह ब्यूरोक्रेट्स हावी है। दो चार चंद अफसर पूरे बिहार को चला रहे हैं, मुख्यमंत्री थके हुए। कल आरजेडी की महिला विधायक के भी साथ जिस तरीके से हाउस में हुआ, आप लोगों ने विरोध किया, मुख्यमंत्री जिस तरह का शब्दों का इस्तेमाल किया। हमने आपको बताया ना कि मुख्यमंत्री जी थके हुए हैं, अफसरों का राज चल रहा है और उनको तो बोलने भी नहीं दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को जब उस सदन में बोलने उठते हैं तो बगल के मंत्री इशारा करते रहते हैं, यह आलम हो गया हुआ है इस राज्य के मुख्यमंत्री जी का। देखिए, नीतीश कुमार जी के राज में यही हुआ है, जो लोकतंत्र बचाने की बात करता है, जो आरक्षण बचाने की बात करता है, जो अपने हक और अधिकार की बात करता है, उसको नीतीश कुमार जी लाठी मरवाने का काम करते हैं। ये लोकतंत्र में सही नहीं है। सत्ता आती और जाती रहेगी, जब सत्ता इधर आएगा तो उसके बाद समझ में आ जाएगा इन लोग को। आप लोग देखिए जिस तरीके से बिहार के 7 IAS के द्वारा लूट खसोट किया जा रहा है, ये सातों दुलरुआ नीतीश कुमार के जो IAS हैं, उस पर ED की कार्रवाई बहुत जल्द होने वाली है। आप देखते जाइए जिस तरीके से संजीव हंस के ऊपर ED का रेड हुआ, क्या कार्रवाई हुआ? जिस तरीके से रेप की घटना का जो पुष्टि किया गया, क्या कार्रवाई हुआ? तो इन लोगों को जवाब देना चाहिए कि आखिर वो 7 IAS ही बिहार को क्यों चला रहे हैं। अफसरशाही बिहार में हावी हो चुका है, नीतीश कुमार जी को हाथ पैर जोड़ना पड़ रहा है। आखिर क्या कारण है, ये नीतीश कुमार जी को ही बताना चाहिए। आपकी महिला विधायक के भी साथ नीतीश जी का, देखिए नीतीश कुमार जी का रौद्र रूप जो है वो कभी कभी देखने को मिलता है सदन के अंदर। पिछले बिहार विधानसभा के अंदर आप लोगों ने देखा कि महिलाओं के ऊपर जो शिक्षा वो दे रहे थे, क्या क्या नहीं बोले, महिलाओं को हमेशा वो अपमानित करने का काम करते हैं। कल जिस तरीके से आपने देखा कि दलित महिला विधायक है उसके ऊपर किस तरीके से टिप्पणी किए, कभी जीतन राम मांझी जी के ऊपर क्या तुम तराम करते हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को जो है अब उनका दिमागी हालत सही नहीं है, जिसके चलते इस तरीके का काम करते रहते हैं। वो पुलिस को आगे करते हैं, नीतीश कुमार डरते हैं, पुलिस को आगे करते हैं, नीतीश कुमार डरते हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।